गुड मॉर्निंग ग्रेट प्री नाइन ओके हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए और वो है सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रेडिकल एंड रेडिकन के बारे में अच्छा जी हमारे पास अब जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो एक न्यू चीज़ है रेडिकल और अब फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल्स टू ये जो आपके सामने साइन नज़र आ रहा है इसको हम कहेंगे रेडिकल का साइन ठीक है और ये जो एन है ये इंडेक्स है और जो ए है ये आपके पास क्या है रेडिकैंड ठीक है अब आपने ये दोनों बातें याद रखनी है रेडिकल क्या है ये साइन ठीक है ये साइन क्या कहलाता है रेडिकल और जो रेडिकल के साइन के अंदर मौजूद होता है वो क्या कहलाता है रेडिकैंड uh, और ये जनाब जो N एन है वो क्या है इसकी इंडेक्स है रेडिकल का इंडेक्स है अब जो दूसरी बात हमें पता नहीं चाहिए वो है एक रेडिकल फॉर्म और एक हमें पता होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म रेडिकल फॉर्म क्या होती है ऐसी फॉर्म जिसमें रेडिकल साइन इस्तेमाल हो रहा हो जिसकी जनरल फॉर्म ये है एक्स इज इक्व टू एन रेडिकल ए ठीक है अब फॉर एग्जांपल ये जो दो है ना ये आपके सामने रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल्स हैं इसी तरह एक्सपोनेशियल फॉर्म क्या होता है जिसमें ये एक्सपोनशियल यूज़ हो जाए एक्सपोनेंट हो जाए यूज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स इज ईक्व टू इसी को अगर ये देखें एक्स इज इक्व टू इसी को ये रेडिकल फॉर्म है इसी को अगर हमें एक्सपोनेंशियल में चेंज करना हो तो हम क्या कहेंगे एक्स इजिक्वल्स टू ए और ये रेडिकल की जगह हम क्या लिखेंगे वन ओवर एन ठीक है यानी तो इसका इंडेक्स है वो यहाँ आ जाएगा तो ये आपको पता है कि वैसे स्क्वायर रूट जो होता है इसकी भी पावर क्या होती है वन बाई टू ठीक है अच्छा जी अब ये देखेंगे एक्स थ्री बाई ओवर टू और एक्स स्क्वायर ओवर सेवन ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हमने रेडिकल रेडिकेंट और रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अपने जहन में रखना है इस तरह से फिर हम एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री के क्वेश्चन कर सकेंगे अब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री है उसका क्वेश्चन नंबर वन है उसमें वो आपको कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म करें ट्रांसफॉर्म करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपके पास है तो उसको रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें और अगर रेडिकल है तो उसको एक्सफोनेशियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करें अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेडिकल फॉर्म में इसको हम एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज कर सकती हूँ माइनस सिक्सटी फोर होल की पावर ये क्या आ जाएगी वन ओवर थ्री तो ये कौन सी फॉर्म में मैंने चेंज कर दी है में सेम इसी तरह से अब हमारे पास टू थ्री और फाइव ठीक है तो इसका मतलब है ये टू का क्यूब है और क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर ये रेडिकल साइन की पावर वन ओवर टू होती है तो ये जो फाइव है ये बेसिकली क्या होगा ये उसका इंडेक्स बनेगा ठीक है ये आपने याद रखना है तो हमने ये एक्सपोनेशियल को किस में चेंज कर दिया रेडिकल फॉर्म में अब जो क्वेश्चन नंबर टू है उसमें वो बता कह रहा है कि बताएं कि जो इनमें से स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स इसमें से दो करते हैं फिर बाकी आप खुद करेंगे जैसे ये फाइव वन ओवर फाइव इक्वल होता है स्क्वायर रूट फाइव के हमें पता है ये स्क्वायर रूट फाइव की पावर क्या होती है वन ओवर टू तो ये तो फाइव वन ओवर टू के इक्वल होता है वन ओवर फाइव के इक्वल नहीं होता तो इट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है इसी तरह ये अब सेकेंड पार्ट देखें टू टू ओवर थ्री इक्वल्स होता है क्यूब रूट फोर के तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करें तो ये टू का स्क्वायर होगा और इसका इंडेक्स बनेगा थ्री जो डिनोमिनेटर में ऐसे तो टू का स्क्वायर हमारे पास फोर होता है तो ये फॉर्म इसके इक्वल है तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू होगी क्वेश्चन नंबर वन और टू के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो अब आपने खुद करने जो आपको प्रॉब्लम होगी वो इन हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू